एक बार पहले पीएमसी जो पढ़ाना है वो पढ़ा लेते हैं, एक दो क्लास तो फिर डिस्कस कर देंगे उसके बाद। हाँ तो टाइम बचेगा वैसे भी, ठीक है ना। चलो हाँ भाई, आंसर इज 3 की पावर 5। ये तो देखते ही हो जाना चाहिए भाई। आपको एक्स में कितने एलिमेंट मिले? 5। अरे हाँ है ना। अब आपने एक्स से 2 सबसेट वाई और जेड बनाए, तो हर एलिमेंट के पास ऑप्शन क्या क्या है? या तो वो इसमें जाए इसमें ना जाए, एक ऑप्शन, या वो इसमें जाए इसमें ना जाए, दूसरा ऑप्शन, या वो दोनों में जाए या वो दोनों में ही ना जाए। अब आपसे ये बोला गया है कि वाई और जेड ऐसे लेने हैं कि जिससे उसका इंटरसेक्शन फाई हो, तो क्या वाई और जेड में कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा? यानी हर एलिमेंट कितनी पॉसिबिलिटी ले सकता है? एक ये ले सकता है, एक ये ले सकता है और एक ये। क्या ये पॉसिबिलिटी कोई भी एलिमेंट लेगा? मेरी बात समझाई? तो हर एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? बोलो भाई, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, आंसर इज 3 to the power 5। अरे क्वेश्चन कराया था ना, याद है? अरे हाँ या ना। अब यहीं पे अगर ऐसे लिखा होता कि नंबर ऑफ वाई इंटरसेक्शन जेड इज 3, तो नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? क्विक अभी, अब आंसर क्या होता? लास्ट क्लास पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। 5 में से कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, उनके पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि उन्हें इंटरसेक्शन में आना है। बाकी बचे हर एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 3। अरे हाँ या ना। बोलो भाई, आंसर इज 90 वेज। नहीं आया समझ में? अरे लास्ट क्लास में ये कराया ना मैंने कि अगर इसमें आपके पास के एलिमेंट हो, तो उसके टोटल वेज एन सी के, 1 की पावर k और 3 की पावर n-k होते हैं। याद आया कि नहीं? बोलो भाई, अगर इसके यूनियन में के एलिमेंट हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है एन सी के, 3 की पावर k, 1 की पावर n-k। याद आया कि नहीं? क्या करते हो भाई तुम लोग, आ गया समझ में? बोलो भाई, चलिए। पता नहीं लास्ट क्लास रिवाइज नहीं किया लग रहा भाई लोगों ने, किया क्या? नहीं, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा फिर तुम्हें। पहले मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लोगे, अब पता चला नहीं कर पाओगे। ये लो, बाकी इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। मल्टीनोमियल का बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये भी बताया मैंने। थिंक, 2 मिनट है आपके पास। 10 persons आर सिटिंग इन अ रो, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 4 persons? पहला क्वेश्चन है, नो 2 of them आर कंजिक्यूटिव। ये मैंने क्लास में कराया है, 12 में से 4 लेने थे, कंजिक्यूटिव नहीं थे। याद आया? एग्जैक्टली 2 of them आर कंजिक्यूटिव। ये आपको सोचना है, पहले का आंसर बताओ फिर दूसरा सोच पाओगे। पहले का आंसर 7C4, बिल्कुल सही। फर्स्ट आंसर इज 7C4। ये मैंने क्लास में ही कराया, याद आ गया आपको? हाँ, 15 डेज में से आपको 4 डेज सेलेक्ट करने थे, याद आया कि नहीं? बस वही था। इसमें 10 में से 4 सेलेक्ट करने, सेम लॉजिक है। नो 2 1 आर कंसेक्यूटिव, 4 सेलेक्ट करने तो 5 गैप बनेंगे, याद आ गया? X3 X मेथड 1 था ये, याद आया? बोलो भाई, और 5 गैप में जितने एलिमेंट होंगे उसका सम 6 होगा 4 हटाने के बाद। बोलो भाई, इसमें ये वाला जो गैप होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और बाकी सारे गैप क्या होंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, याद आया कि नहीं? तो अब इसको लिखेंगे X1, इसको लिख देंगे कैपिटल X2, कैपिटल X3, कैपिटल X4, और ये हो जाएगा X5, और यहाँ पे कितना कम हो जाएगा? 3। तो अब नंबर ऑफ वेज निकाल लो, कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ वेज? 3 + 5 - 1 C, 5 - 1, आंसर इज 7C4। याद आ गया होगा? अरे बोलो भाई, मेथड याद आया कि नहीं? ये वाला तो क्लास में किया, अगले वाले में सोचो। एग्जैक्टली 2 of them आर कंसेक्यूटिव, अंतर क्या आएगा? अभी भी लेने 4 ही हैं, तो 4 लेने का तरीका तो जैसा है वैसा ही जाना चाहिए,
बट कंडीशन सिर्फ एक इन्वॉल्व हो गई है कि कब एग्जैक्टली दो लोग जो हैं वो लगातार आएंगे, एग्जैक्टली टू आर कंजिक्यूटिव थिंक. सोचो ज्यादा, पहले क्या जब चार लोग ले रहे थे तो पांच गैप बन रहे थे, अब जो गैप बनेंगे वो सिर्फ चार ही बनेंगे. सोच के देखो भाई, एक पेयर तो आप कंसेक्यूटिव उठाओगे ना, तो उनके बीच में तो हमेशा जीरो ही रहेगा, कोई गैप ही नहीं आएगा ना. अरे हाँ ना, बोलो भाई. एक गैप इससे पहले आएगा, एक गैप उसके बाद आएगा, फिर एक गैप आएगा और फिर एक गैप आएगा, तो टोटल इस बार चार ही गैप आएंगे ना. अरे हाँ ना, अब ये कंसेक्यूटिव यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव कहीं भी हो सकता है, बोलो भाई. अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं. चलो तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसका सम इस बार कितना है, 6. x1 अभी भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, एकदम स्टार्टिंग से उठा लो. x5 अभी भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, बोलो. और ये दोनों अभी भी क्या है, 1 1. अरे हाँ है ना, तो अभी भी सम कितना हो गया बताओ, x1 प्लस कैपिटल x2 कैपिटल x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, बोलो. 4 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ये तो आ गए किसको अरेंज करने के, इन दो, एक और इसको. बट अब सोचो ना, क्या दोनों कंसेक्यूटिव आप यही ले सकते हो, दो कंसेक्यूटिव तो और भी कहीं हो सकते हैं ना. अरे हाँ है ना, तो आप क्या करोगे, दो कंसेक्यूटिव एक और एक सिंगल को अरेंज करने के तरीके लिख दोगे, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कैसे, ये दोनों एक एक है ना. अरे हाँ है ना, बोलो भाई. दो ये एक बॉक्स बना लो, एक ये बॉक्स बना लो, एक ये बॉक्स बना लो, इनको अरेंज करने के तरीके भी तो हो जाएंगे. ये बॉक्स हो सकता है यहां से आ जाए, ये बॉक्स हो सकता है यहां आ जाए. नहीं समझे मेरी बात, तो अरेंज करने के तरीके होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2. अच्छा यहां पर क्या था, जब आपने सिर्फ चार एलिमेंट उठाए थे तो इनको अरेंज करने के तरीके थे 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो उससे कोई अंतर आया नहीं था. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो भाई. क्योंकि चारों एक ही टाइप की चीजें थी ना, एक 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 थे सब में, बट इसमें अरेंज करने के तरीके कितने आ गए, 3 फैक्टोरियल बाई 2. क्लियर हुआ कि नहीं, तो टोटल वेज आंसर में कितना आया, कितना है, 7c3 × 2 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल बाई 2 105. देखो भाई, और बाकी जो बच्चे हम लोग इस मेथड से कर दिए, गैप मेथड से, कि जो दो निकाल लिए तो फिर 8 बच गया, और उसमें से दो और निकाल लिए जो हम लोगों को कंस्टिट्यूटिव नहीं चाहिए. हाँ तो उसके लिए वे लिख लिया. हाँ, हाँ वो भी कर सकते, चलेगा, उससे भी सेम आ रहा होगा. हाँ वो भी चलेगा. समझ गए भाई, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ. अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो करने की हालत में पहुंच गए ना भाई. अरे हाँ या ना, चलिए. बाकी इसमें और तो ऐसे कोई क्वेश्चन था नहीं, वो तो सब करने वाले थे. चलिए बाकी इसमें आपने सारे कर लिए. अब हम बात करने जा रहे हैं डी अरेंजमेंट की. चलिए आ रही, अब बात करेंगे डी अरेंजमेंट की और उससे ही रिलेटेड बाकी बचे हुए क्वेश्चन.
अरे कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट की। तो पहले जी डी अरेंजमेंट है क्या, जैसे क्या है, मान लो आपके पास तीन ऑब्जेक्ट ए बी सी हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर अरेंज करने के लिए ए को ए से, बी को बी से और सी को सी से ही अरेंज करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ ए जो है वो ए होना चाहिए, एफ ऑफ बी जो है वो बी होना चाहिए, एफ ऑफ सी जो है वो सी होना चाहिए, ये है करेक्ट अरेंजमेंट, समझ गए। तो डी अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, ए जो है वो ए से अटैच नहीं होना चाहिए, मतलब वो किससे किससे अटैच होना चाहिए, बी या सी में किसी से। बी जो है वो बी से अटैच होना नहीं चाहिए, यानी ए और सी से अटैच होना चाहिए, मेरी बात समझ लो। सी जो है वो सी से अटैच नहीं होना चाहिए, मतलब ए और बी में किसी से अटैच होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। बात क्लियर हो गई। मतलब अगर अरेंज करने का एक प्रॉपर तरीका मैं बता दूं तो डी अरेंज करने के मतलब हर चीज इस वे को छोड़कर बाकी कहीं भी अरेंज हो जाए तो उस अरेंजमेंट को आप क्या काउंट करेंगे, डी अरेंजमेंट। तो अब क्या करना है, एनी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे दे, अगर उस ऑर्डर को हम चेंज कर दें तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट। ये बात समझ में आ गई। अब एन थिंग्स आर अरेंज इन अ रो, नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डी अरेंज, सो नन ऑफ देम ऑक्यूपाइड इन ओरिजिनल पोजिशन। मतलब ए ए में ना आए, बी बी में ना आए, सी सी में ना आए, डी डी में ना आए, ऐसे जितने भी एलिमेंट हो अगर हम उनको अरेंज करें कि कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, तो उसको अरेंज करने के तरीके होते हैं एन फैक्टोरियल। एन थिंग्स को डी अरेंज करने का तरीका है एन फैक्टोरियल, वन माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्स डॉट 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 माइनस वन की पावर एन इंटू वन बाई एन फैक्टोरियल, और ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा देंगे आप। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब अगर एन थिंग्स हैं और आपको उनको डी अरेंज करना है, एन थिंग्स हैं और आपको उनको डी अरेंज करना है, तो उनको डी अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, एन फैक्टोरियल और ब्रैकेट में आप लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना, ठीक है। इसके प्रूफ में जाने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि उतना डीपली आएगा भी नहीं आपके सामने। अगर एन थिंग, जैसे आप मान लो आपको एक एक चीज है आपके पास, उसको डी अरेंज करना है, तो किसी भी एक चीज को डी अरेंज करने के जीरो वेज होंगे क्योंकि वो कभी डी अरेंज हो ही नहीं सकती। अरे हाँ है ना, आपके पास दो चीजें हैं तो उनको डी अरेंज करने का एक तरीका होगा, सोच के बताओ भाई, हाँ है ना। आपके पास तीन चीजें हैं, उनको डी अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, बंद करना पड़ेगा। आपके पास फोन बंद कर दिया, आपके पास तीन चीजें उनको डी अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल रख दो तो थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, यही तो होगा। अरे हाँ है ना, थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स माइनस सिक्स, ये तो खत्म ही हो गया। थ्री फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल थ्री आएगा, और थ्री फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, टू नहीं, थ्री फैक्टोरियल बाई थ्री वन, तो आंसर कितने आ गए, टू। यानी अगर तीन चीजें आपके पास है तो उनको डी अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, दो। सोच के देखो, अभी आपने तीन चीजें ली थी, एक वे हो सकता है जब आप ए को बी से अटैच कर दो, अरे हाँ है ना, बी को ए से, सॉरी बी को सी से अटैच कर दो और सी को ए से, एक वे ही हो गया, हाँ है ना। दूसरा तरीका आप इसमें क्या सोच सकते हो, ए को किससे अटैच कर दो, सी से, बी को किससे अटैच कर दो, ए से, और सी को किससे, यही दो वे हो सकते हैं। तीसरा वे आप इसको डी अरेंज करने का लिख ही नहीं सकते, मेरी बात समझे। ऐसे चार ऑब्जेक्ट होंगे तो फोर फैक्टोरियल से निकाल लेंगे, पांच ऑब्जेक्ट छह, मैक्सिमम छह ऑब्जेक्ट तक डी अरेंज करने की चीजें निकाली गई, जहां तक आपके पास यूज होता है वो छह ऑब्जेक्ट तक यूज होता है कि छह ऑब्जेक्ट को डी अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ये रिजल्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया है। हर बार हमने फॉर्मूला ही लगाया है बट इन रिजल्ट्स को हमने अलग से लिख दिया है डी अरेंज करने का तरीका। तो एक ऑब्जेक्ट डी अरेंज कर ही नहीं सकते, नंबर ऑफ वेज जीरो, दो ऑब्जेक्ट के लिए एक, तीन के लिए अभी आपने निकाला, चार ऑब्जेक्ट डी अरेंज करने नाइन वेज, पांच ऑब्जेक्ट डी अरेंज करने 44 वेज, छह ऑब्जेक्ट डी अरेंज करने
265। ऐसे ही 7, 8, 9, 10 आपको निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो डी अरेंज करने का रिजल्ट क्लियर हुआ। अब सोचो नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजिंग एन थिंग्स तो आपने पढ़ लिया। अब आपके पास आर एन चीजें हैं और उसमें से आर चीजों को डी अरेंज करना है, बाकी चीजों को करेक्ट अरेंज करना है। तो क्या करोगे, एन में से आर चीजें सेलेक्ट करोगे और उनको क्या कर दोगे, डी अरेंज। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? मतलब इफ ईच ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आर रॉन्गली प्लेस एंड एन माइनस आर ऑफ ओरिजिनल पोजिशन देन डेल्टा आर रिप्रेजेंट द डी अरेंजिंग देन डेल्टा डैश आर द डी अरेंजिंग ऑफ नन ऑफ गिवन ऑक्यूपाइड प्लेस। तो डेल्टा आर का ऑप्शन क्या हो गया, एनसीआर इंटू डेल्टा डैश आर। डेल्टा डैश आर का मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए यही हो गया आर फैक्टोरियल 1 - 1/1 factorial + 1/2 factorial + 1/3 factorial - 1 की power r into 1/r factorial और ncr। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट। तो जब r ऑब्जेक्ट डी अरेंज होंगे तो बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट n माइनस r जो है वो क्या होंगे, अपनी ओरिजिनल पोजिशन। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, जो चीज ओरिजिनल पोजिशन में है उसको लिखने का तरीका तो एक ही होगा। अरे हाँ है ना, बाकी को आप अरेंज कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, डी अरेंजमेंट में यही दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अब क्वेश्चंस में ये कैसे यूज होते हैं उसका डिस्कशन अभी हम करते हैं, बाकी नोट कर लीजिए, लिख लो। तो आप क्या कर क्या लिखोगे, एक तो ये लिख लो, एक ये लिख लो और एक ये लिख लो, बस तीन चीजें लिख लो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। वन ऑब्जेक्ट जीरो, टू ऑब्जेक्ट वन, थ्री ऑब्जेक्ट टू वेज, फोर ऑब्जेक्ट नाइन वेज, फाइव ऑब्जेक्ट 44 वेज, सिक्स ऑब्जेक्ट 265 वेज एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो ये बॉक्स में जितनी चीजें लिखी है उनको नोट कर लो तो आपको डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। डी अरेंजमेंट मतलब चीजों को अपनी ओरिजिनल पोजिशन में नहीं रखना, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। ओरिजिनल पोजिशन से हटा के चीजों को रखना, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। हो गया, बात क्लियर हो गई भाई? या आगे बढ़े तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलो। डन हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, चलो देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए इसका। क्या है आपके पास, 5 लीटर हैं, there are 5 letters and 5 direct envelope, in how many ways all the letters kept into wrong envelope? wrong envelope का मतलब पांचों को क्या करना है, rearrange, यानी आपको सीधा डेल्टा 5 निकालना, आंसर इज 44 वेज।
क्या ये बात समझ में आई भाई? पांचों को डायरेक्ट डी अरेंज करना है, डेल्टा फोर इसका आप तो आप वैसे भी डायरेक्ट है आपके पास 44, वरना आप सीधे क्या करते हैं 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल और -1/3 फैक्टोरियल प्लस और -1/5 फैक्टोरियल या इसको डायरेक्ट आप लिख देते 44 5 6 तक तो आपको दिमाग में ही 265 वेज। अरे हाँ है ना, आगे पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज टू लेटर्स आर राइटली प्लेस एंड थ्री राइटली प्लेस नहीं है, तो इसका मतलब 5 में से क्या करोगे? 3 लेटर सेलेक्ट कर लो जिनको रॉन्गली रखना है, आया ना, और उनको रॉन्गली रखने के लिए क्या चाहिए आपको? डेल्टा थ्री आपको पता होता है कितना होता है? 9 वेज या 2 वेज। तो आंसर कितना आ गया? 10 × 2 आंसर इज 20 वेज। अब तो ये कैलकुलेशन भी स्पीड से हो गया। अरे हाँ या ना, वो आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 तक की वैल्यू दिमाग में है ना, और वो नहीं है तो भी कैलकुलेट तो कर ही लोगे। प्रोसेस समझ में आया भाई? गुड, क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को? चलिए ये बात हो गई डी अरेंजमेंट की पहली चीज। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखो यार। देखिए इसमें क्या दिमाग से लाओ क्या बेटा, 3 फैक्टोरियल और नहीं होगा। क्यों 3 फैक्टोरियल क्यों होगा? क्या दो मतलब आर चीजें रॉन्गली अरेंज है, एन माइनस आर करेक्टली अरेंज है, तो एनसीआर इंटू रॉन्गली अरेंजमेंट ही तो आएगा। अबे अरेंज ही तो कर रहे हो, डेल्टा थ्री क्या है? 3 चीजों को रॉन्गली अरेंज करके लिखने का तरीका ही तो है। तो उसमें फिर दोबारा उसको 3 फैक्टोरियल से क्यों अरेंज करोगे? समझ गया कि नहीं समझे अभी? वो 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा, समझ में आया? हाँ, अभी तो ऊपर आपने लिखा ना, आर चीजों को रॉन्गली अरेंज करने का तरीका यही तो होता है। और ये जो 1 मल्टीप्लाई किया, ये क्या किया? एन माइनस आर चीजों को करेक्टली लिखने का, किसी भी चीज को करेक्ट लिखने का तो एक ही तरीका होगा ना। बोलो भाई, तो अरेंज ही कर रहे हो तो बाद में उसमें फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों करोगे? क्लियर हो गया? गुड, चलिए क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन राइट्स लेटर 6 फ्रेंड एड्रेस टू करस्पॉन्डिंग इनवेलप, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर विद क्लोज इनवेलप, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इन अ रॉन्ग इनवेलप। कम से कम 2 रॉन्ग इनवेलप में जाए, फिर ऑल द लेटर्स आर इन रॉन्ग इनवेलप। सेकेंड वाला आंसर तो सिंपल है, सारे लेटर रॉन्ग इनवेलप में, मतलब डेल्टा 6 निकालना है, तो वो तो 265 डायरेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं? फर्स्ट वाले में थोड़ा सा दिमाग चला है। आंसर बताओ, सॉल्व करो। गलत है वैसे, लेकिन फिर भी सॉल्व करो। मतलब पहले वाले में अगर आप जाओगे तो एक चीज तो ऐसे सोच सकते हो, देखो पहला मेथड आप ऐसे सोच, थोड़ा सा लेंदी है बट सोच सकते हो, क्या है? एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन अ रॉन्ग इनवेलप ना, मतलब कम से कम 2 रॉन्ग इनवेलप में होने चाहिए, ऐसा ही तो कह रहा है। तो क्या करोगे? 6 में से 2 सेलेक्ट करो और उनको रॉन्ग इनवेलप में रख दो, 6 में से 3 सेलेक्ट करो उनको रॉन्ग इनवेलप में रख दो, 6 में से 4 सेलेक्ट करो उनको रॉन्ग इनवेलप में रख दो, 6 में से 5 सेलेक्ट करो और उनको रॉन्ग इनवेलप में रख दो, और 715 रॉन्ग इनवेलप में रख दो, यही तो होगा। अरे हाँ या ना, देखो भाई बोलो इससे क्या आंसर? 719 आ रहा, देखो जरा कुछ गड़बड़ कर दिया फिर तो। सेवन वन फोर आ रहा है।
719 आता है सर, देखो सिक्स सी टू कितना हो जाएगा 15, और डेल्टा 21 होता है ना, 6C3 हो गया 6, 5, 4, 20, अरे हाँ ना, और डेल्टा 3 कितना होता है 2, 719 आ रहा ना, 6C2 हो गया 15, और 15 ये होता है शायद 49, चार ऑब्जेक्ट डीअरेंज करने के 9 वेज होते हैं ना, 7C5 से तो 6 ही हो गया, और ये होता है 44 होता है ना, ये हो गया 1 और ये होता है 265, आंसर 719 आ रहा है ना, हाँ है ना। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया कि नहीं, अच्छा इसी को अगर आप दूसरे तरीके से सोच रहे होते तो क्या था, टोटल वेज निकाल लो, मतलब बिना किसी उसके, तो 6 लेटर 6 एनवलप टोटल वेज 6 फैक्टोरियल, अरे हाँ है ना, 6 लेटर अगर है 6 प्लेस पे रखने हैं तो टोटल वेज कितने हो गए 6 फैक्टोरियल, हाँ है ना, उसमें से माइनस कर दो, अब भाई कम से कम 2 डी अरेंज होनी चाहिए, तो उसमें से माइनस कर दो 9 डी अरेंज, मतलब एक भी डी अरेंज नहीं, मतलब सब करेक्ट प्लेस पे है, इसका सिर्फ एक तरीका होगा, अरे हाँ है ना, माइनस ओनली वन इज डी अरेंज, क्या ऐसा कर सकते हो कि किसी एक को डी अरेंज कर दो, कम से कम 2 तो डी अरेंज होंगे ना, एक लेटर कैसे डी अरेंज होगा, अरे हाँ है ना, इसके कोई तरीके होंगे, ये तो जीरो वेज हो गए, इसका एक ही तरीका हुआ 6 फैक्टोरियल 720, आंसर इज, ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा, अरे हाँ है ना, देखने के तरीके दोनों ही है, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, बट ये सोचने का तरीका थोड़ा सा आसान हो गया, बोलो भाई, समझ में आ गया, अच्छा सेकंड वाले पार्ट का तो आंसर देखते ही बता दोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ रॉन्ग एनवेलप दैट इज डेल्टा 6, डेल्टा 6 तो आपने सीधा ही लिखा है कितना 265, कई चीजों को अगर डी अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज 265, 5 को करना है 44, 4 को करना है 9, 3 को करना है 2, 2 को करना है 1, समझ गए कि नहीं, सोच लीजिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, बस अब डी अरेंजमेंट में इतना ही है, चलिए अब हम आते हैं फंक्शनल एनालिसिस में, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, इसमें एक टेबल होंगे एक जगह, ये रहे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन, उसके लिए सारे रिजल्ट, मतलब आप सेट ए से बी में फंक्शन बना रहे हैं, सेट ए में ए एलिमेंट है और सेट बी में बी एलिमेंट, तो टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, सिंपल मैपिंग है भाई, टोटल फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से अटैच हो सकता है, तो यानी कि एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन आ गए बी, तो ये बी ऑप्शन कितने एलिमेंट के लिए चलेंगे ए, तो बी इंटू बी इंटू ए बी इंटू बी कितने टाइम्स, तो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे बी की पावर ए, यानी एन बी की पावर एन ए, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, टोटल फंक्शंस, अगर किसी भी कंस्ट्रेंट को नहीं यूज किया गया है, कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो टोटल फंक्शंस का रिजल्ट एकदम सिंपल है, दैट इज एन बी की पावर एन ए, अगर ए से बी मैपिंग करनी है तो, अरे हाय ना, अब आते हैं टोटल वन वन फंक्शन की बात, वन वन का मतलब एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट आपको चाहिए, अरे हाँ है ना, अब देखो वन वन फंक्शन में क्या टेक्निक लगती है, जैसे मान लो हम वन वन फंक्शन की बात करते हैं, इस वाले में टोटल एलिमेंट कितने ए एलिमेंट, अरे हाँ है ना, इसमें टोटल एलिमेंट कितने बी एलिमेंट, और आपको फंक्शन वन वन बनाना है, अरे हाँ है ना, पहली चीज वन वन फंक्शन तभी पॉसिबल है जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इससे ज्यादा हो, सोच के देखो ना, अगर यहां पे 4 एलिमेंट हो और यहां 3 ही एलिमेंट हो तो वन वन तो कभी नहीं बनेगा ना, किसी एक को तो रिपीट कराओगे ही,
अरे हाँ है ना, या इसमें चार एलिमेंट हो इसमें भी चार हो तो 1-1 बन सकता है, या इसमें चार हो और इसमें चार से ज्यादा हो, अरे हाँ है ना। तो 1-1 फंक्शन के लिए आपके पास एक कैटेगरी तो सिंपल आ गई कि अगर बी की वैल्यू ए से कम हो गई तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन जीरो हो जाएंगे। सोचो भाई, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो, कभी बन ही नहीं पाएंगे ना। अरे हाँ है ना, अगर ए में एलिमेंट ज्यादा हो गए बी से तो कभी नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन बनेगा कभी कोई, सोचो। अरे हाँ है ना भाई, बना ही नहीं पाओगे, रिपीट तो करानी ही पड़ेगा ना आपको। बात क्लियर हो गई, यानी कि अब अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा या उसके बराबर हो तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन बनेंगे, डन हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसके हर एक एलिमेंट को इसके किसी एक एलिमेंट से अटैच कर देना है। तो यहां पर बी एलिमेंट है, हमने उसमें से ए एलिमेंट ले लिए, अरे हाँ है ना, और उनको अरेंज कर दिया, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने आ गए, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने आ गए, बी में से ए एलिमेंट लेके उनको अरेंज कर दो, अरे हाँ या ना, बी में से ए एलिमेंट लेके उनको क्या कर दो, अरेंज। क्लियर हुआ, बोलो। बुक में यही रिजल्ट आपको बी पी ए करके दे दिया जाता है, वो आपको याद रखने की कोई जरूरत, समझ में आ गया। तो पहली चीज, अगर आप ए से बी मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग आप ए से बी कर रहे हैं, तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, अगर बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो गए तो 1-1 मैपिंग जीरो। बात समझ में आ गई, ज्यादा या उसके बराबर कम होते ही नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन हो गए जीरो, और बाकी आंसर सिंपल है बी सी ए इंटू ए फैक्टर, 1-1 फंक्शन आ जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया, अरे हाँ है ना, देखो ऊपर हमने 1-1 फंक्शन का यही रिजल्ट लिखा है, ये तभी पॉसिबल है जब बी किससे ग्रेटर है ए से, अदरवाइज नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने हो जाने हैं जीरो। देख लो भाई, ये नीचे वाला एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हुआ। अच्छा आप सोचो, 1-1 तो आपने निकाल लिए, मैनी 1 कैसे निकालोगे, टोटल माइनस 1-1, अरे या तो फंक्शन 1-1 होगा या फंक्शन क्या होगा मैनी 1, तो मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, टोटल फंक्शंस माइनस 1-1 फंक्शन, अरे हाँ है ना, तो आपको हर बार क्या मिल जाएगा मैनी 1। अब सोचो अगर ए बी से बड़ा हो गया तो सारे फंक्शन क्या होंगे मैनी 1, अरे तो 1-1 बनेगा ही नहीं ना कोई फंक्शन, तो फंक्शन जो भी बनेगा वो क्या बनेगा मैनी 1, तो ये जीरो होते ही टोटल फंक्शन आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो 1-1 माइनस कर दोगे बचे हुए में से सारे फंक्शन मैनी 1 आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक कोई दिक्कत, तो ये बात हो गई 1-1 की भी बात हो गई, आपने मैनी 1 की भी बात हो गई, क्लियर है। अच्छा ये बताने की जरूरत, अलग से चाहो तो यहां लिख सकते हो, इफ बी इज लेस देन ए तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने हो जाते हैं जीरो। ओके हो भाई, समझ गए, यहां तक टेबल एकदम क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। अब बात आती है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की, अब बात आती है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ये फॉर्मूला है, आप इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला एन एलिमेंट के लिए प्रूफ करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं आपको तीन एलिमेंट में समझा देता हूं, चार एलिमेंट में समझा देता हूं, फिर फॉर्मूला आप बना लेंगे। मान लो आपके पास इधर 1, 2, 3 और इधर भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4 है, मान लो चार एलिमेंट ले लो क्या ही जा रहा है, और आपको क्या बनाना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं भाई, ऑन टू फंक्शन मतलब ये चारों एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, इनमें से कोई भी एलिमेंट छूट ना जाए, मेरी बात समझ रहे हो, पहले तीन ही लो चार में बड़ा लेंगे, चलो पहले दो में समझाता हूँ फिर तीन में फिर चार में, ठीक। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ, तो क्या होगा टोटल फंक्शंस, ऑन टू का मतलब हुआ ऑन टू अगर हमें निकालना है तो टोटल में से माइनस कर दो इनटू, अरे हाँ है ना। अच्छा इनटू कैसे निकालोगे भाई, एक एलिमेंट छोड़ दो, दो एलिमेंट छोड़ दो, तीन एलिमेंट छोड़ दो, चार एलिमेंट छोड़ दो, ऐसे करते 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 एन एलिमेंट छोड़ दो, हर बार इनटू फंक्शन माइनस करते चले जाओ, नहीं समझे भाई, इनटू फंक्शन के लिए कोई भी एक एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो तो फंक्शन इनटू हो गया ना, अरे हाँ है ना, बोलो भाई। मान लो जैसे आपके पास चार एलिमेंट है तो एक एक एलिमेंट पहले छोड़ते जाओ,
सारे इनटू निकाल लो, फिर दो दो एलिमेंट छोड़ के सारे इनटू निकाल लो, फिर तीन तीन एलिमेंट छोड़ के सारे इनटू निकाल लो। अब चारों तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि फंक्शन तो बनाना ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? वही हमने माइनस किया है। अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो हर एलिमेंट के बाद दो दो ऑप्शन है तो टोटल फंक्शन तो 2 की पावर 3 बनेगी। ये दिख गया कि नहीं? अच्छा, अब इनटू माइनस करते हैं। सिचुएशन क्या है, दो में से कोई एक एलिमेंट ले लो जिसको हमें छोड़ देना है, हाँ या ना? अच्छा, बाकी बचे हुए से हमें क्या बनाना है, इनटू या ऑनटू? बाकी बचे हुए से तो ऑनटू बनाना है ना, यानी इस एक एलिमेंट को लेके ऑनटू फंक्शन बनाने तो कितने बन सकते हैं इस एक? अरे एक ही तो बनेगा भाई। अरे हाँ या ना, सारे एलिमेंट वन से अटैच हो जाए, नहीं समझे? बोलो भाई, दिखा कि नहीं? तो टोटल कितने बनेंगे, वन। क्लियर हो रहा होगा? देख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आएगा तो बताओ। नहीं समझे? अरे बोलो, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 2 क्यूब माइनस 2 कितना आ गया? दिख गया ना सबको? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मान लो इधर एलिमेंट है 1 2 3 और इधर एलिमेंट है 1 2 3, तीन तीन एलिमेंट, और अब आपको ऑनटू फंक्शन बनाने। अभी भी तरीका सेम है, टोटल में से क्या माइनस करना, इनटू। अच्छा, टोटल अब कितने हो गए, 3 की पावर 3। अब हमने क्या किया, दो में से कोई एक एलिमेंट लिया, उसको हटा दिया, बाकी दो से हमें क्या बनाना है, बाकी दो तो इन्वॉल्व करने है ना, तो बाकी दो से क्या बनाना है, ऑनटू फंक्शन। अच्छा, दो से कितने ऑनटू फंक्शन बनते हैं, अभी तो आपने सीखा ना, दो से कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे भाई, 2 क्यूब माइनस 2, अभी तो आपने सीखा ना, तो दो से बनने वाले ऑनटू फंक्शन हो गए 2 क्यूब माइनस 2। अच्छा, अब आओ दो में से कोई दो एलिमेंट ले लो, उनको हटा दो, तो एक से कितने ऑनटू फंक्शन बनते हैं, एक। यही आंसर हो गया, लिखा गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्लियर हुआ? देख लो भाई, अच्छा तीन में से एक एलिमेंट लिया, सॉरी 3C1 और 3C2, अभी ठीक है, देखो हो गया, आया ना, डन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको एक्चुअल चीज समझा रहा हूं, एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसमें फॉर्मूला आप बनाते हैं 2C0 2 माइनस 0 की पावर 3 माइनस 2C1 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2C2 2 माइनस 2 की पावर 3। देखो यही लिखा है, लिखा है। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, 3C0 ठीक है, 3 माइनस 0 की पावर 3 माइनस 3C1 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3C2 3 माइनस 2 की पावर 3 प्लस सॉरी माइनस 3C3 3 माइनस 3 की पावर 3। देखो ये लिखा है, आया, दिखा रिजल्ट की नहीं? तो यानी अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था, R इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, हाँ है ना, R इक्वल टू 0 से 2 था ना, बोलो भाई, यानी जो बी में एलिमेंट थे वो, दिख रहा है कि नहीं? इसके बाद बी के एलिमेंट सी आर और साथ में एक -1 की पावर r चली रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस, बोलो भाई। और ए में जो एलिमेंट थे, मतलब बी में जो एलिमेंट थे उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, आर, और ए के एलिमेंट की पावर, देखो यही चल रहा है। यानी आर जो है वो क्या है, एलिमेंट इन बी। अब यहां पे आओ, बी में कितने एलिमेंट है, 3, आर इक्वल टू 0 से 3, 3C r -1 की पावर r 3 माइनस r की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अरे हाँ या ना, तो यानी कि अगर आपको ए से बी मैपिंग करनी है
ए में एलिमेंट है ए, बी में एलिमेंट है बी, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे बोलो? आर इक्वल टू जीरो से बी, आया ना, माइनस वन की पावर आर बी सी आर, बी माइनस आर की पावर, क्लियर हुआ फॉर्मूला भाई? अरे हाँ है ना, बोलो भाई, क्या हम ऑन टू फंक्शन लिखना सीख पाए? बोलो, ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला समझ में आया सबको? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं टोटल इनटू कितने होंगे, तो टोटल माइनस ऑन टू, अरे हाँ है ना, तो कितने आ जाएंगे? क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला कैसे बनाया, समझ में आ गया? बोलो भाई, नोट कर लीजिए। तो आपको एग्जांपल से अभी चीजें जज समझ में आई होंगी, कहां पे क्या चीज क्यों ऐसी चल रही है, क्लियर हुआ? तो ये वाला लिखना था, इसमें भी वही चीज लिखी पहले, ये वाला, ये चाहो तो ये नोट कर लो, फिर वो ऊपर ये वाली ना टेबल, टेबल में वही रिजल्ट लिखे मैंने पहले, चलो टेबल लिख लो, टेबल में आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएंगे एक जगह। टेबल में सारे रिजल्ट एक ही जगह मैंने लिख दिए, नीचे मैंने उनको समझा दिया कि कौन सा रिजल्ट किस वजह से ऐसा ही है, समझ रहे हो कि नहीं? ये रो पा रहा है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। लिख लिया टेबल पूरी, चाहो तो ये भी लिख सकते हो एग्जांपल वाइज, दो एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर रहेंगी कि रिजल्ट आया कहां से, अप्रोच है क्या एक्चुअली। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है उसमें तो टोटल का तरीका माइनस टू होता है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब अगर बी में दो ऑब्जेक्ट है टोटल ऑन टू फंक्शन लिखने हैं आपको, बी में दो ऑब्जेक्ट है तो टोटल फंक्शन माइनस टू कर दीजिएगा, वो जल्दी से आंसर आ जाता है, लेकिन वो दो ऑब्जेक्ट के लिए जनरल फॉर्मूला लगाओगे तो उससे भी वही आ रहा है। अगर आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ये दो बार क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जा चुका है जिसमें दो ऑब्जेक्ट थे इसमें, तो टोटल फंक्शंस कितने हो जाते हैं, टोटल फंक्शन माइनस टू, ठीक है? नहीं तो ये फॉर्मूला तो कहीं गया ही नहीं, ये तो आप लगाई हो, कोई दिक्कत नहीं।
लिया भाई सबने, समझ गए कि नहीं भाई? क्लियर हुआ? अच्छा अब एक चीज और है, जैसे मान लो आप ए से बी में मैपिंग कर रहे हो और 1-1 मैपिंग आपने कर ली, 1-1 मैपिंग तो समझ गए ना, 1-1 मैपिंग करते वक्त ये नोट कर लिया ना सबने, 1-1 मैपिंग करते वक्त आपने ये ए फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया था, ये समझ में आ गया तो। बट अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कितने बनेंगे, मतलब ए से बी में इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं कि ए से बी में इंक्रीजिंग फंक्शन कितने बनेंगे, एन ए इज ए, एन बी इज बी, ठीक है, और आपको ए से बी में ये बताना है और ये गिवन है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, सेम चीज है। नंबर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस बताना, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस बताना, ठीक है। अच्छा कंडीशन सिंपल सी ये दे रखी है कि जो बी सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो ए सेट से ज्यादा है, बहुत है तो उसके बराबर है, उससे कम नहीं है, कम हो जाएंगे तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बना पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करोगे, सिंपल हुआ, आप सीधा क्या करो, बी में से ए एलिमेंट सेलेक्ट कर दो, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका तो हुआ भाई, बी में से ए एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो उनको अरेंज करने के लिए या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करोगे या उनको अरेंज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का एक ही तरीका होता है ना, या तो सारे इंक्रीजिंग लिख दोगे या सारे, तो मतलब आप जो अरेंजमेंट ए फैक्टोरियल था वो नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी लिख सकते हो टोटल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस। अरे बोलो भाई, हो गया कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलिए, लिख लिया? चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं। आराम से चारों आंसर बताइएगा, टाइम स्टार्ट नाउ। ए में चार एलिमेंट है, बी में सात एलिमेंट है, नंबर ऑफ 1-1 मैनी 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सारे आंसर बताइए क्विक। पहला आंसर तो देखते ही हो गया होगा, सात में से चार एलिमेंट लो और उनको अरेंज कर दो। अरे हाँ है ना, बोलो, गुड। सेकंड आंसर क्या हुआ, टोटल फंक्शन कितने होंगे, उसमें से 1-1 फंक्शन माइनस कर दो। अरे हाँ है ना, जवाब दो, बोलो भाई। थर्ड आंसर कितना होगा, टोटल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कितने होंगे, सात में से चार एलिमेंट लो, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। अरे हाँ है ना, टोटल ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होंगे, टोटल में से क्या माइनस कर दो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अरे आया ना, देख लो चारों पार्ट में कहीं कोई दिक्कत या कंफ्यूजन हो तो बताओ, वनगो में लिखते चले आएंगे चारों पार्ट। अरे आया ना भाई, क्लियर हुआ तो डन, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद ये मैनी 1 लिख लेंगे, ऑन 2 लिख लेंगे, इन 2 लिख लेंगे, रेंज कंटेन 5 एलिमेंट, रेंज कंटेन एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, तो यही कर लो, लो इसका भी आंसर बताओ। नंबर ऑफ मैनी 1, नंबर ऑफ ऑन 2, नंबर ऑफ इन 2, रेंज कंटेन एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट इन ए हैविंग सेम इमेज,
पहला आंसर तो कर लिया होगा, नंबर ऑफ मैनीवन, सारे फंक्शन मैनीवन ही बनेंगे। अरे हाँ है ना, वन वन फंक्शन तो एक भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा, तो नंबर ऑफ मैनीवन फंक्शन कितने आ गए, 5 की पावर 8। अरे हाँ है ना, गुड। सेकंड वाला आंसर ऑन टू, तो आर इक्वल टू 0 से लेके 5, 5 सी आर माइनस 1 की पावर आर, बोलो भाई, 5 माइनस आर की पावर 8। अरे देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, नहीं आया समझ में, यही तो हुआ भाई, सीधा फॉर्मूला लगा दिया, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अरे हाँ है ना, गुड। इनटू कितने हुए टोटल माइनस ऑन टू आपने ऊपर निकाली है, वो माइनस कर देंगे तो इनटू आ जाएगा। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई, नहीं आया समझ में, आप फोर्थ में आओ जरा। कह रहा है रेंज कंटेन एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, मतलब रेंज में सिर्फ 4 ही एलिमेंट आने चाहिए, है ना, एक एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बोलो भाई। तो पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो जो नहीं आ रहा है, उसको हटा दो, तो यानी 5 में से 1 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जो नहीं लेना, बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट से आपने क्या बना दिया, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज में 4 एलिमेंट तो चाहिए ना, बोलो भाई। तो यानी कि ऑन टू फंक्शन बाय यूजिंग रिमेनिंग कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट इन बी। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, अरे बोलो भाई, क्या किया और यही क्यों किया, ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो भाई। अब क्या हम 4 एलिमेंट यूज करते हुए ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, बोलो, तो बना ही लेंगे। 5c1 यहां पे करेंगे r इक्वल टू 0 से 4, 4 cr माइनस 1 की पावर r, 4 माइनस r की पावर 8। अरे आया ना, देख लो, बस उसमें 5c1 और मल्टीप्लाई हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई बताओ, डन। अच्छा, अगले वाले पार्ट में क्या करना था, कह रहा है एग्जैक्टली 5 एलिमेंट इन ए हैविंग सेम इमेज, मतलब इसमें से कोई भी 5 एलिमेंट लेने हैं, उनकी इमेज सेम रखनी है। अब सोचो वो 5 एलिमेंट क्या हो सकते हैं जिनकी इमेज सेम है, 1 2 3 4 5 ही तो हो सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 से ही अटैच होंगे, हाँ है ना। तो जो 5 एलिमेंट अपनी सेम इमेज ले रहे हैं उनको अरेंज करने का एक ही तरीका हो गया, बाकी कितने एलिमेंट बचे, 3, उनको इन 5 में से किसी से भी अरेंज कर सकते हो, अरे हाँ है ना। तो हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 5, यानी टोटल कितने आ गए, 5 × 5 × आंसर इज, क्लियर हुआ कि नहीं, 5 क्यूब क्यों हुआ आंसर में, समझ में आया, 1 क्यों आया समझ में आया, 1 आया उन 5 एलिमेंट के लिए जिनकी इमेज सेम है, देख लो। कोई कंफ्यूजन, बोलो भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे पूछता एक और क्वेश्चन कि आपको बताने टोटल ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, इफ f(2) = 2, टोटल ऑन टू फंक्शन बताने हैं और f(2) = 2 होना चाहिए, f(2) = 2 हो गया, आया ना, बाकी कितने एलिमेंट बचे, 7, 7 एलिमेंट बचे हुए 5 एलिमेंट से अटैच कर दो भाई, 2 किसी और के पास तो जा ही सकता है ना, f(2) = 2 होना चाहिए, बट 2 कोई और तो ले ही सकता है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यानी अपने को सिंपल क्या करना है, f(2) = 2 लिखने के कितने तरीके हो गए, 1, और बाकी बचे हुए 7 एलिमेंट में अपन को क्या लगा देना है, ऑन टू फंक्शन, तो 7, 5 में ऑन टू फंक्शन लगाओ, तो r = 0 से 5 - 1 की पावर r, 5 cr
5 माइनस आर की पावर, ये क्लियर हुआ? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हो गया? अरे हाँ है ना। चलिए गुड, अब आते हैं आखिरी इक्वेशंस पे। फाइव लॉग थ्री लॉग जो तो ओपन कर ही लोगे, दिक्कत नहीं। ये लो, थिंक एंड सॉल्व। पहला तो सीधा ही हो गया, एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई डी अरेंजमेंट। अरे एफ वन वन नहीं होना चाहिए, एफ टू टू नहीं होना चाहिए, एफ थ्री थ्री होना चाहिए, एफ फोर फोर नहीं होना चाहिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो पहला आंसर तो सीधा ही हो गया, पहला आंसर डेल्टा सिक्स हो गया कि नहीं? डेल्टा सिक्स का मतलब 265 डेज। अरे हाँ है ना, पहला खत्म। सेकेंड सोचो, F1 जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। अरे हाँ है ना, F2 जो है, F4 जो है, और F6 1 फिक्स है। डेल्टा 5 हो गया कि नहीं? थिंक। भाई ऐसा है, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 नहीं, एफ सिक्स वन है, 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा, एफ सिक्स को 1 दे ही दिया गया, बाकी इन पांच में, इन पांच का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो यानी ये पांचों कैसे होने चाहिए डी अरेंज? फील आया कि नहीं भाई? अरे हाँ है ना, 1 2 नहीं होना चाहिए, 2 3 नहीं होना चाहिए, ये 3 ये 4 ये 6 इसको छोड़ दो, 1 और 6 अपने सिस्टम से हमने रिमूव कर दिए, क्योंकि एफ सिक्स तो 1 ही लेगा ना हमेशा, वो ओके रिमूव हो गया, यानी उसको लिखने का एक ही तरीका हुआ। बाकी पांचों को अपन ने क्या कर दिया? डी अरेंज, यानी डेल्टा 5 आंसर इज 44। डेल्टा 5 क्यों आया, समझ में आया? अरे हाँ है ना, इन पांचों का क्या लगा दिया? डी अरेंज। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? बोलिए भाई, यहां तक सारी सिचुएशन क्लियर है? कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बोलो, अभी डन है। चलिए आसान बता देता हूं। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो है कि एफ एक्स एक्स हो जाए, तो एफ ऑफ एफ एक्स हमेशा एक्स होगा। थिंक एंड सॉल्व, कुछ भी कर लो। अगर एफ एक्स एक्स हो गया तो एफ ऑफ एफ एक्स तो हमेशा एक्स आएगा ही ना? अरे हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब 1 1 से अटैच हो, 2 2 से अटैच हो, 3 3 से अटैच हो, 4 4 से अटैच हो। एक पॉसिबिलिटी है ये, पहली पॉसिबिलिटी डन। अरे हाँ या ना, गुड। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो एफ एक्स है वो एक्स नहीं है, मतलब एफ वन वन नहीं है। तो एफ वन वन नहीं तो कुछ तो होगा ना? अरे हाँ है ना, अब ध्यान से ये चीज सुनिएगा। अगर एफ वन वन नहीं है तो मान लो एफ वन टू है। अगर एफ वन टू है और आपने कहा कि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स होना चाहिए, तो एफ टू वन ही होगा। एफ टू इसके अलावा कुछ और ले ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो एफ वन वैल्यू लेगा वो आप उठा के यहां रखोगे, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई ना कि वो वन ही होगी। अरे हाँ या ना, यानी अगर आप किसी एक को फिक्स करो वन छोड़ के, तो अब सोचो एफ वन को वन छोड़ के देने के कितने ऑप्शन हो सकते? 3। अरे हाँ है ना, यानी कि 3 वे से आप ये अरेंज कर सकते हो कि एफ वन वन नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर एफ वन वन नहीं है
तो F1, 2, 3, 4 में से कुछ भी होगा वो आपने अरेंज कर लिया, मेरी बात समझ गए? हाँ है ना, सेम लॉजिक हम F2 में लगा सकते हैं, सेम लॉजिक हम F3 में लगा सकते हैं, सेम लॉजिक हम F4 में लगा सकते हैं। यानी इन तीनों को अरेंज करने के लिए हमारे पास जैसी वैल्यू है वो नहीं है, उसके अलावा तीन ऑप्शन है। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोला अभी? अरे हाँ है ना, मतलब F1 नहीं हो सकता तो 2, 3, 4 में कुछ भी हो सकता है, सेम तरीके से F2 नहीं हो सकता तो 2, 3, 1, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है, सेम तरीके से F3 नहीं हो सकता, तो इन तीन यानी किसी भी एक को अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? तीन। मेरी बात डन हो गई है? अब आओ, जब आप F1 को 2 लोगे तो आप F2 को अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स हो गया, बट आप F3 और F4 को तो अभी भी अरेंज कर सकते हो ना। अरे हाँ है ना, तो यानी कि F1 को 2 देने के बाद हम कितनों को अरेंज कर सकते हैं? तीन को, एक अरेंज नहीं होगा। अरे हाँ है ना, अरे हम इसको तो वेरी करा सकते हैं ना भाई। अरे हाँ है ना, बोलो, नहीं समझे अभी बात? बट हमें अरेंज चार चीजें करनी थी, F1, F2, F3, F4, बट अगर हम F1 को फिक्स कर दें तो F2 फिक्स हो गया, या F1 को अगर हम 2 फिक्स करें तो ये फिक्स हो गया, अगर 3 फिक्स करें तो ये फिक्स हो गया, 4 फिक्स करें तो ये फिक्स हो गया। यानी अरेंज करने के लिए कितने बचे हमारे पास? तीन। तो टोटल फंक्शंस कितने हो गए? 9। यानी टोटल कितने आ गए? एक फंक्शन स्टार्टिंग का आ गया, 9। बात क्या बात, नहीं आया समझ में? एक बार जब आपने fx को x लिया तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हाँ है ना। एक बार जब हमने F1 को 1 लिया, या F1 को 2 लिया, या F2 को 3 लिया, तो किसी भी एक को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? तीन। अरे हाँ है ना, बट उसके अरेंज करने के बाद बाकी को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? सिर्फ तीन। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्योंकि हम किसी एक को अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्फ अरेंज होगा बिकॉज ऑफ द कंडीशन f(fx) = x। तो आंसर कितना हो गया? समझ गया भाई, देख लो कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बोलो भाई। चलिए बात हो गई डन।